एवरीवन, मैं पूनम डेटी ग्राम मास्टर एनर्जी वर्ल्ड से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थ्रोट चक्र के बारे में, जो हमारे 7 मेजर चक्रों में से 5th चक्र है, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। जो यह चक्र है, ये हमारी अभिव्यक्ति का सेंटर है कि जिससे हम अपनी जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम अपने आप को दूसरे, अपने भावों को, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने रख सकते हैं, जिससे हम अपने आप से या दूसरों से कैसे बातें करते हैं, यह सब डिफाइन करता है हमारा ये वाला चक्र। जो ये चक्र है, ये हमारे नेक के बिल्कुल सेंटर यहाँ पर लोकेट होता है। इसका जो कलर होता है वो होता है स्काई ब्लू। इस चक्र का जो तत्व है वो है आकाश, और जो इसकी पैटर्न जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो 16 होती हैं। जो इस चक्र का बीज मंत्र है, जो साउंड है, वो होती है हम। जब हम इस चक्र को बैलेंस करते हैं तो हम इस साउंड की चैंटिंग करके हम इस चक्र को बैलेंस करते हैं। अब जिसका यह चक्र बैलेंस होता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर डर नहीं होता और वो व्यक्ति होनेस्ट होता है। ऐसा व्यक्ति इजीली जो अपने भावों को, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरों के सामने रख सकता है। ऐसे व्यक्ति की बातों से सब इम्प्रेस होते हैं। जो व्यक्ति होता है ऐसा अच्छा, वो ऐसा भाषण अच्छा वक्ता होता है, या जो भाषण स्पीच देता है होता है, उसकी बातों से सब इम्प्रेस होते हैं। या ऐसा व्यक्ति ये नहीं कि उसकी जो स्पीकिंग स्किल है वही अच्छी है, ऐसे व्यक्ति की जो लिसनिंग स्किल होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, यानी वो दूसरों की बातों को भी अच्छे से समझता है। ऐसा व्यक्ति के बीच में जो बातें होती हैं विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से बातें करते हैं। जब ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी इच्छाओं को इजीली पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके शब्दों में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति हो जाती है। ये कह लीजिए कि उसकी जो वो बोलता है वो सच होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाती है जिससे ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो ऑनेस्ट होगा, उसके अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा। कोई भी उस व्यक्ति उसको जज करेगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सच्चाई का साथ देगा, वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा, उसके अंदर किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा कि कोई उसको क्या कह रहा है या नहीं, हमेशा सच का साथ देगा। ऐसे व्यक्तियों पर जो व्यक्ति इजीली विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रूथफुल होते हैं, दूसरों का साथ देते हैं और दूसरों की हेल्प भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर वाणी में एक जादू होता है, जहाँ भी वो जाता है वो सब लोग उसको इम्प्रेस होते हैं, जैसे वो बातें करता है सब उसको सुनना पसंद करते हैं। अब जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस नहीं है, ये चक्र या तो ओवर एक्टिवेट हो जाता है या अंडर एक्टिवेट। अब जिस व्यक्ति का ये चक्र ओवर एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति या तो ज़्यादा बातें करता है या हमेशा नेगेटिव टॉक करता है अपने बारे में या दूसरों के बारे में, हमेशा दूसरों को जज करता रहता है या गाली देके बातें करता है या गुस्से में दूसरों से बातें करता रहता है। अब ये जो चक्र है, ये ना तो ओवर एक्टिवेट होना चाहिए ना अंडर, क्योंकि हमें हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है, हर चीज़ को बैलेंस में लेकर चलना है। कोई चीज़ बैलेंस में होगी जब ही वो अच्छा रिजल्ट देती है, अगर ये ओवर एक्टिवेट हो जाता है तो भी ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। अब जिस व्यक्ति का यह चक्र बैलेंस नहीं है, अंडर एक्टिवेट है या इसमें ब्लॉकेज है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक तरह का डर होता है, एक तरह का फियर होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी होनेस्ट नहीं होता, वो मोस्टली झूठ बोलता है हर बात से बचने के लिए, या बात बात पे ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है, उसकी बातों में कोई वजन नहीं होता। अगर वो कोई बात कहता भी है तो जो आदमी उसी बात पर विश्वास नहीं करते, कहते यार ये तो ऐसे ही, चार आदमी अगर बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, वो अपने मन के भावों को अगर एक्सप्रेस भी करना चाहे, उनके बीच में बोलना भी चाहे, तो उसके अंदर इतनी पावर, इतनी क्षमता नहीं होती कि वो उन बातों को कह सके, दूसरों के सामने बोल सके। अगर वो कुछ कहता भी है तो सामने वाले लोग होते हैं उस पर विश्वास नहीं करते, ना ही उसकी बातों को मानते, कहते यार ये तो ऐसे ही बातें करता है, बेकार है इसकी बातें, चल यहाँ से। तो जो उसकी बातें होती हैं, उसके इमोशंस, ना तो वो दूसरों के सामने बोल सकता है, उसको एक तरह की हेजिटेशन होती है कि कैसे मैं अपनी बातों को या इमोशन को दूसरों के सामने रखूँ। ऐसा व्यक्ति हमेशा गुस्से से बातें करने लगेगा, उसके अंदर जो है मेंटल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई उसकी बातें सुनता ही नहीं है, ना वो अपनी एबिलिटी को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर पाता है। तो इस चक्र का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, तभी हम अपनी जीवन में जो चीज़ें हम चाहते हैं उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर जब हमारे शब्दों में पावर होगी, ये चक्र बैलेंस होगा, तभी हम जो चाहते हैं उसको पा सकते हैं। समाज में इससे हमारा नाम होता है, जो व्यक्ति होता है एक अच्छा स्पीच दे सकता है, दूसरे व्यक्ति उसे इम्प्रेस होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तभी वो व्यक्ति फेमस होना शुरू होता है। अब जो इस चक्र से रिलेटेड हमारे ऑर्गन है वो हमारा नेक,
जो हमारी वोकल कॉर्ड्स है, हमारे टीथ, ईयर या हमारे अपर आर्म्स जो है, ये हमारे इस चक्रा से रिलेटेड ऑर्गन्स है। अब अगर ये चक्रा हमारा ब्लॉक होता है तो इससे रिलेटेड जो डिजीज होती है, बीमारियाँ होती है, वे कौन कौन सी हमारे जीवन में आती है। जब ये चक्रा अगर बैलेंस नहीं है तो हमें अस्थमा होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, गले में इन्फेक्शन होगा, ईयर प्रॉब्लम होगी या हियरिंग जो सुनने की क्षमता है वो कम होगी, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, गले का कैंसर हो सकता है या टॉन्सिल्स हो सकते हैं। यानी आप ले लीजिए, जो आपके यहाँ से रिलेटेड कोई भी अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके गले में, ईयर में, यहाँ पे जो कोई भी प्रॉब्लम है वो आपको इसी चक्रा से रिलेटेड है। अगर आपको लगता है यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको इस चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसको बैलेंस करके आप इन बीमारियों से इजीली छुटकारा पा सकते हैं। अभी इस चक्रा को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इसको हील करने के या बैलेंस करने के बहुत सारे वे होते हैं। तो अपने जीवन में हम छोटे छोटे ये उपाय अपनाकर हम इस चक्रा को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब इस चक्रा से रिलेटेड जो क्रिस्टल्स होता है वो लैप्सी, सोडा लाइट, इन क्रिस्टल को हम चार्ज करके हम इसको पहन सकते हैं। पर इसमें ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टल आप चार्ज कर रहे हो वो हमें हर 7 डेज के बाद चार्ज करना होता है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। जब हम इसको अगर 7 डेज बाद चार्ज नहीं करते तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इतना वर्क करना वो शुरू नहीं कर सकती। सेकंड होता है वाटर, कि हमारे बॉडी के अंदर ही 70% वाटर है। अगर हम वाटर थेरेपी का यूज करते हैं तो उससे भी हमारा ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको कोई भी आप बॉटल ले लीजिए पानी की या कोई ग्लास ले लीजिए, उसमें आपको हील रेकी करनी है। जब वो रेकी करते हैं उसकी जो अफर्मेशंस होती हैं आप उसको चैंट कर सकते हैं, या उसकी जो साउंड है उसको आप चैंट कर सकते हैं। अगर आपको रेकी नहीं भी आती है तो भी आप खाली अफर्मेशंस को उस पानी को चैंट कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उस पानी को पी सकते हैं। इससे भी जो आपका थ्रोट चक्र है वो हील होना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप अपनी डेली लाइफ में जो ब्लू कलर है उसको बढ़ा सकते हैं, अपने घर में ब्लू कलर का यूज कर सकते हैं या ब्लू कलर के कपड़े पहन सकते हैं। मतलब अपने जीवन में आप इस ब्लू कलर को थोड़ा सा बढ़ाकर आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारा था मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ को, अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन पोज में बैठ के अपना पूरा फोकस अपने थ्रोट चक्रा पर रखना है और आपको यहाँ पे ब्लू लाइट, एक जैसे ब्लू बॉल होती है, उसको आपको सोचना है। अब जैसे आपको सोचना है कि वो बॉल आपको क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और आपका जो ये चक्रा है इससे सारी नेगेटिविटी और ब्लॉकेज हटा के इस चक्रा को पॉजिटिव और बैलेंस कर रही है, जिससे आपका ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपको 7 डेज के अंदर ही आपको पता चलेगा कि आपके यहाँ पर एक वाइब्रेशन, एक आपको एक एनर्जी फील होगी, सेंसेशन फील होगी, आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई एनर्जी घूम रही है। अब आपको पता कैसे चलेगा आपको एनर्जी फील हो रही है, तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आपका ये चक्रा बैलेंस होना शुरू होता है आपको पता चलता है कि आप एक ऑनेस्ट आदमी बनते जाते हैं, या आप जो बातें कह नहीं पाते थे, अपने भावों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आप इजीली अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो गया। इसके लिए आप जो इस चक्रा से रिलेटेड फूड है उसका अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जैसे एप्रिकॉट हो गया, एप्पल हो गया, ब्लूबेरी हो गया या पियर्स, इस तरह के जो फ्रूट हैं आप अपनी लाइफ में डेली में यूज कर सकते हैं, इससे भी चक्रा बैलेंस होता है। अब हीलिंग, सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ हीलिंग में भी आप कोई भी हीलिंग मॉडलिटी जानते हैं तो उसके थ्रू भी आप इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। आप रेकी जानते हैं या प्राणिक हीलिंग जानते हैं, कुछ भी अगर आप हीलिंग जानते हैं तो उससे भी आपका ये चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। डेली आप 15 से 20 मिनट इस चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, या आप इसकी अफर्मेशंस ले लीजिए, आप इसकी अफर्मेशंस को चैंट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को, अपने मन के भाव को इजीली से दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तो ऐसी अफर्मेशंस आप खुद बनाकर उसको डेली सुबह शाम मेडिटेशन में बैठ के किस बार आपको चैंट करना होता है, जिससे आपका ये चक्रा बैलेंस शुरू हो जाता है। या फिर आप इसका जो बीज मंत्र है, जो इसकी साउंड है, हाँ, आप उसको चैंट कर सकते हैं। जब उस चक्र उसको, जैसे हाँ, आप उसको चैंट करते जाएंगे तो उससे जो बीज मंत्र से जो साउंड और जो वाइब्रेशन निकलेंगी वो यहाँ पे एक कंपन, एक सेंसेशन पैदा करती हैं, जिससे आपका ये चक्रा बैलेंस होना शुरू होता है और आपको एक अलग सी फीलिंग, डिवाइन फीलिंग फील होती है।
जब आपका ये चक्र जब बैलेंस हो जाता है तो आपको डिवाइन मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं एंजल से। आपको फील होता है कि हाँ भाई एंजल मुझे कोई न्यू पाथ या कोई साइन दे रही है। आप कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हो, आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है, आपके शब्दों में जादू आ जाता है या कह लीजिए आपको वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जीवन में जो चाहिए वो पा सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपायों को करके हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। बट हम ये नहीं, हमें अपने सातु चक्र को बैलेंस करना, ये नहीं कि हम एक चक्र को या दो को, हर चीज़ में हर चीज़ का बैलेंस जरूरी है लाइफ में। जब तक बैलेंस नहीं होगा, मान लीजिए हमें दो चक्र बैलेंस कर लिए और आपने छोड़ दिए, तो ये भी ठीक नहीं। तो हमें हर चक्र को बैलेंस करना है, तभी लाइफ में हम जो चाहते हैं हम उस चीज़ को पा सकते हैं। और जो हमारा थ्रोट चक्र है, जो थ्रोट चक्र है हम इनडायरेक्ट वे में हमारे सेकेंड चक्र से कनेक्ट होता है। अगर हमारा इस चक्र में प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा सेक्रल चक्र इफेक्टेड होता है, कि हमारे सेक्रल चक्र में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा थ्रोट चक्र इफेक्ट होता है। इसलिए हमें डेली अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सोचते हैं कैसे हम इतनी सारी चीज़ें करें, तो आप उससे अपने लिए आधा घंटा निकाल सकते हैं। उसके लिए जो आप इन चक्रास की साउंड है, बीज मंत्र है, जो कोई हीलिंग नहीं भी जानता है, साउंड कोई भी थेरेपी नहीं जानता, सिर्फ इस बीज मंत्र की चैंटिंग आप डेली कर सकते हैं आधा घंटा। हर आपको हर चक्रा की साउंड आपको चैंट करनी है आधा घंटा। अगर आप इसको डेली करते जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में 21 डेज के अंदर चेंज देखेंगे। आप फिजिकल लेवल पे, आप मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। आपकी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम थी वो सारी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जो आप चाहते थे, जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हैं, इतने दिनों से आपसे मतलब पूरा ही नहीं हो रहा है, आप सोच रहे यार कि मेरी लाइफ में ही क्यों ब्लॉकेज आती है, वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। बट इसके लिए करना क्या है, सिर्फ आपको अपना टाइम देना है। आपके लिए कोई और नहीं कर सकता कि कोई और करेगा और इसका इफेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, नहीं। जो भी करना है आपको खुद करना है और अपने लिए करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, कोई भी आकर आपके लिए नहीं कर सकता। सिंपल है, सिर्फ आधा घंटा आपको देना है। अगर आप कुछ और नहीं भी कर सकते तो प्लीज़ इसकी जो साउंड है, जो इसके बीच मंत्र है, उनकी चैंटिंग करना शुरू करें और आपकी लाइफ में चेंज देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।